हमीरपुर में NSUI ने हिमाचल प्रदेश चयन बोर्ड में जाकर TCT कमीशन की परीक्षाओं को आगे बढ़ाने हेतु ज्ञापन पत्र सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि बोर्ड द्वारा JVT की टेट परीक्षा को पहले ही आगे बढ़ा दिया गया था, क्योंकि प्रदेश में कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और परीक्षा में आने वाले छात्रों में भी भय की स्थिति है। NSUI जिलाध्यक्ष की अगुवाई में ज्ञापन देने पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने आयोग के कर्मचारी पर अभद्र व्यवहार करने के आरोप भी लगाए हैं। जिलाध्यक्ष टोनी ठाकुर ने आरोप लगाया कि बोर्ड का प्रशासन पहले उनके प्रतिनिधि मंडल को गेट पर ही रोक कर रखा और आगे जाने पर धमकाने भी लगा। घंटों इंतजार के बाद बोर्ड की तरफ से एक अधिकारी आया तो वो भी बहस करने पर उतारू हो गया। टोनी ठाकुर ने कहा कि खुद तो प्रशासन महामारी से डर रहा है पर युवाओं के पेपर करवाना चाह रहा है। उन्होंने कहा कि ये सब संस्थान जनता की सेवा के लिए है, परंतु अधिकारी खुद को अलग ही दर्जा लेने में जुटे हुए हैं। इस मौके पर उनके साथ अख्तर, विशाल और मनीष आदि मौजूद रहे। बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि मोदी सरकार ने कोरोना काल में 20 लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है, लेकिन धरातल पर इस पैकेज का कोई लाभ नहीं दिख रहा। युवाओं को बैंक में कोई सुविधा नहीं मिल रही है, जिस कारण युवा अपना कोई काम धंधा शुरू नहीं कर पा रहे। बेरोजगार युवा आत्महत्या को गले लगा चुके हैं। विधायक ने प्रदेश सरकार से भी इस पैकेज के द्वारा लाभान्वित हुए युवाओं का आंकड़ा साझा करने की बात कही। विधायक ने कहा कि सरकार इसके बारे में श्वेत पत्र जारी करे। इस पैकेज का लाभ केवल कुछ पूंजीपतियों को ही हुआ है। भोटा से कुछ दूरी पर अग्गार के झांडी के पास कार बाइक से भिड़ंत हो गई, जिससे एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक सवार तरुण गुलेरिया पुत्र एसी गुलेरिया उम्र 35 साल अपने घर बोरंज की तरफ जा रहा था और झांडी के पास बाइक और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। गाड़ी हमीरपुर की तरफ जा रही थी। वहीं घायल युवक को लोगों के सहयोग से बोटा PHC हॉस्पिटल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद तरुण गुलेरिया को हमीरपुर रेफर कर दिया गया। इस हादसे में व्यक्ति की टांग टूट गई। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है। वन विभाग हिमाचल प्रदेश सुकेत वन मंडल बलधाड़ा रेंज द्वारा बटेड़ में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय विधायक कर्नल इंद्र सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वृक्षारोपण कार्यक्रम विधायक सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र कर्नल इंद्र सिंह के कर कमलों द्वारा 11 बजे आयोजित किया गया। इस पौधारोपण कार्यक्रम में माननीय विधायक के साथ जिला मंडलाध्यक्ष निशा ठाकुर, बाजियुमो सरकाघाट अध्यक्ष ऋषभ ठाकुर, जिला सचिव जानी राज, जिला प्रभारी माणिक शाह अपने युवा साथियों के साथ उपस्थित रहे। वन परिक्षेत्र बलदाड़ा के अंतर्गत आने वाले बडेड़ जंगल में सभी भाजपा युवा मोर्चा मंडल सरकाघाट के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने अपना अमूल्य सहयोग दिया। ये पौधारोपण कार्यक्रम आगामी 31 जुलाई तक चलेगा। इस कार्यक्रम में भाजपा युवा मोर्चा के प्रभारी अभिलाषा ठाकुर, जूनी राज ठाकुर, अजय वर्मा, आकाश यशवंत शर्मा, प्रवीण चंद्रमणि, विनय जोगिंदर, शाहिल राणा, अन्य युवा साथियों ने पौधारोपण कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, जो कि अपने आप में सराहनीय कार्य है। सभी प्रदेशवासियों से अपील है कि बढ़ चढ़कर पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेकर पर्यावरण हितैषी बने और हिमाचल को और भी हरा भरा खूबसूरत बनाए। सुजानपुर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन ठाकुर ने कहा कि शराब के ठेके तो बहुत जल्दी खोल दिए गए थे, लेकिन जिम खोलना भूल गई है सरकार। एक तरफ तो सरकार ह्यूमिनिटी बढ़ाने की बात करती है और दूसरी तरफ लगभग 4 महीनों से जिम बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से सारी फिटनेस इंडस्ट्री को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं
जिनका राशन पानी, घर का खर्चा और सारा इनकम सोर्स भी जिम ही है। लॉकडाउन के बाद पूरे भारत को धीरे धीरे खोला जा रहा है, सारे काम धंधे शुरू हो रहे हैं। मुझे लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन के साथ जिमों को खोलने की अनुमति दे देनी चाहिए। इससे जहां देश के लोगों का प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी, वहीं लाखों युवा जो कि लॉकडाउन के चलते बेरोजगार हुए थे, उन्हें फिर से रोजगार मिलेगा। हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि जब लॉकडाउन हटा दिया गया है और अन्य आर्थिक गतिविधियां सामान्य रूप से चल रही हैं, तो जिम को बंद रखना समय से परे है। केंद्र सरकार को सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन के साथ जिमों का संचालन करने की अनुमति दें।